हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके परिवार सक्सेस एकेडमी में। आज हम दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक वंश गुलाम वंश को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे, जिसको टी के माध्यम से आपको बताया गया होगा। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो देखने से पहले पिछले वाला वीडियो को निश्चित रूप से आप पहले देखें। ठीक है, तो देखते हैं गुलाम वंश को। देखिए, गुलाम वंश को दास वंश भी कहा गया है और मामलुक वंश भी कहा गया है। इसके शासनकाल के बारे में बताया गया था आपको कि इसका शासनकाल 1200 से 1290 तक का है ना। गुलाम वंश, गुलाम का दूसरा हिंदी में अर्थ हम देखें तो उसको दास बोल सकते हैं लेकिन मामलुक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन गुलाम वंश को मामलुक वंश क्यों कहा जाता है तो देखिए, गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। गुलाम वंश में टोटल कितने शासक हुए? कुल 11 शासक गुलाम वंश में शासक हुए, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, आराम शाह है, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज है, जर्जिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन बहराम शाह हुए, अलाउद्दीन मसूद शाह हुए, नासिरुद्दीन महमूद हो जाएंगे, गयासुद्दीन बलबन हो जाएंगे और मोइनुद्दीन कैकुकाबाद हो जाएंगे, शमसुद्दीन कैमूर्स हो जाएंगे। लेकिन यह नाम जो है एक बार में पूरा याद नहीं होंगे, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस माध्यम से हम लगातार पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। अभी हम कुछ देर पहले आपसे कहा था कि गुलाम वंश को या दास वंश को मामलुक वंश क्यों कहा जाता है। मामलुक का अर्थ होता है बंधनहीन, यानी बंधनों से मुक्त। यानी कुछ इतिहासकार का कहना था कि गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, जिसमें मात्र 3 ही गुलाम रहे, बाद बाकी जो बच जाते हैं 8 शासक वह गुलाम नहीं थे, उन्हीं का वंशज थे, है ना। मतलब पुत्र ही उत्तराधिकारी बने हैं या पुत्री उत्तराधिकारी बने हैं। ठीक है, तो मात्र 3 ही गुलाम थे। और इस तरह से देखें, जो भी 3 गुलाम थे, वह तीन गुलाम का अर्थ यह होगा कि तीनों गुलाम जो है अलग अलग खानदान के होंगे। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका खानदान अलग हो जाएगा, फिर इल्तुतमिश का खानदान अलग हो जाएगा, उसी तरह से फिर आगे चल करके बलबन आएगा तो बलबन का खानदान अलग हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है और उसके बाद उसका पुत्र बहराम शाह गद्दी पर बैठता है, यह अयोग्य था, है ना। 8 माह बाद जो है इल्तुतमिश आराम शाह को मार के गद्दी पर बैठ जाता है। चूँकि होता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन जैसे गौरी का गुलाम और दामाद था, उसी तरह से इल्तुतमिश भी जो है कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद था। उसी तरह इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन था। इस तरह से हम देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक और बहराम शाह यह एक खानदान हो जाएंगे, जिसको हम कुतुबी वंश बोलेंगे। ठीक है, उस तरह उसके बाद फिर इल्तुतमिश से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद, देखिए बलबन के ऊपर नासिरुद्दीन महमूद, यह पूरा दूसरा खानदान हो जाएंगे। ठीक है, है ना, जिसको हम शमसी वंश बोल देते हैं। और उसके बाद तीसरा खानदान हो जाएंगे बलबन का। ठीक है, बलबन के बाद जो भी बना है उसका पोता बना, ये बलबन का ये पोता है, पहला पोता है और ये दूसरा पोता है। ठीक है, तो बलबन बना है, उसका तो बलबन का ही दोनों पोता है, वो बना है बलबनी वंश की स्थापना, बलबनी वंश के अंतर्गत। यानी गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश आ जाएंगे, कुतुबी वंश। तो सवाल आपसे अगर पूछेगा कि गुलाम वंश में कुतुबी वंश किसे कहा गया है, तो कुतुबी वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश में शमसी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बोल देंगे इल्तुतमिश। और बलबनी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो गयासुद्दीन बलबन हो जाएंगे। ठीक है, हम आपको यह बताना चाह रहे थे कि मामलुक वंश क्यों कहा जाता है। चूँकि आपको हमने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद हम बता दें इल्तुतमिश और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, मात्र यही 3 जो हैं गुलाम रहे, बाद बाकी गुलाम नहीं रहे। तो इतिहासकार का मानना था कि 11 शासक में 3 गुना गुलाम, बाद बाकी 8 को तो गुलाम नहीं था, इसीलिए इसे गुलाम वंश बोलना गलत होगा, इसको मामलुक वंश कहा जाए। इस तरह से हम जो है मामलुक वंश भी बोल सकते हैं, इसको गुलाम वंश भी बोल सकते हैं और इसे हम दास वंश ही बोल देंगे। तीनों में से कोई भी बात बोल दे आपसे तो आप समझ जाइएगा कि ये तीनों का अर्थ एक ही होता है और इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ठीक है, देखिए पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, दूसरा शासक हो जाएंगे आराम शाह। आराम शाह इसका पुत्र है, यह मात्र 8 महीना था। आराम शाह का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश था, चूँकि इल्तुतमिश जो है योग्य था और अयोग्य था, इसलिए इल्तुतमिश जो है आराम शाह की हत्या करके
तब गद्दी पे आया। ठीक है, तो यहाँ से खानदान बदल गया ना, चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक का खानदान शासन कर रहा था, आराम शाह था, उसका इल्तुतमिश आ गया, इल्तुतमिश का उसका पुत्र आएगा, फिर उसका पुत्री आएगा, इल्तुतमिश का पुत्री, फिर इल्तुतमिश का यह पुत्र होगा, फिर इल्तुतमिश का पुत्र, ये भी इल्तुतमिश का पुत्र होगा, और इल्तुतमिश के पुत्र के बाद जो है ये इल्तुतमिश नासिरुद्दीन महमूद को ग्यासुद्दीन बलबन अपना दामाद बना लेता है, नासिरुद्दीन महमूद को ग्यासुद्दीन बलबन जो है अपना दामाद बना लेता है। और चूँकि इल्तुतमिश का अगला गुलाम कौन था, बलबन ही था, इसलिए नासिरुद्दीन महमूद के बाद अगला शासक कौन बनता है, ग्यासुद्दीन बलबन। देखिए कैसे, नासिरुद्दीन महमूद को दामाद बना लिया कौन, बलबन बना लिया, तो ये बलबन किसका, नासिरुद्दीन महमूद का ससुर हो गया, और नासिरुद्दीन महमूद के मरने के बाद यह ग्यासुद्दीन बलबन गद्दी पे बैठा और इल्तुतमिश का गुलाम रहा अगला गुलाम। ठीक है, उसका बलबन के बाद उसका बलबन का पोता बना कैकू का बाद, उसके बाद कैमूर्स बना। ठीक है, इसमें हम बारी बारी से पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, है ना, जिसमें आराम शाह को भी फरिया लेंगे, उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा डाटा है उसमें। ठीक है, उसके बाद रुकरुद्दीन, रजिया सुल्तान, मुहिद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये तीनों हम एक साथ आराम से पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है, राजनीति ज़्यादा है लेकिन डाटा बहुत कम है, है ना, तो राजनीति को समझना है मोस्टली कि कैसे कैसे शासक बदले हैं। ठीक है, इधर देखिए कुछ नोट में दिया गया है, देखिए गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, आपसे पूछेगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोलोगे आप, या मामलुक वंश के संस्थापक कौन है, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक, या दास वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोलेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1206 में किया गया था। अब आगे देखिए, गुलाम वंश की राजधानी जो बनाया गया, लाहौर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन हटा दिए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब यहाँ पे ऐबक बोल दिए, इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया किसे, लाहौर को। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होंगे, तो इल्तुतमिश होंगे। देखिए गुलाम वंश के संस्थापक बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोलेंगे तो इल्तुतमिश बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं गुलाम वंश को, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ था, लाहौर था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत था ही नहीं, पहले बोलते हैं। राजधानी दिल्ली कौन लाया, इल्तुतमिश लाया, इसीलिए हम इल्तुतमिश को हम वास्तविक संस्थापक बोल देंगे, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक बोल देंगे। और दूसरा कारण यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जब गद्दी पर बैठा तो मात्र 4 साल ही शासन किया, 1206 में बना और 1210 में चौगान खेलते समय, है ना, घोड़ा से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई, तो ज़्यादा दिन तक शासन भी नहीं किया और इसने किसी प्रकार का कोई उपाधि भी धारण नहीं किया था गद्दी पर बैठने के दौरान, ना ही सुल्तान की उपाधि धारण किया और किसी प्रकार का सिक्का भी नहीं चलाया, है ना, तो इसीलिए इसको हम सिर्फ संस्थापक बोलेंगे, वास्तविक संस्थापक हम नहीं बोलेंगे। लेकिन वास्तविक संस्थापक बोलना होगा तो हम इल्तुतमिश को बोलेंगे, चूँकि इल्तुतमिश जैसी गद्दी पर बैठा वैसी ही राजधानी को परिवर्तन कर दिल्ली ले आया, लाहौर से बदल करके दिल्ली ले आया, उसके बाद जो है अपने नाम का सिक्का चलवाया, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए, है ना, फिर उसमें हम पढ़ाएंगे आपको आगे चल के कि तांबा का जीतल और चांदी का टांका नामक सिक्का भी चलाया था इल्तुतमिश, इसीलिए वास्तविक संस्थापक। यहाँ पे हमने आपको बताया कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ऐबक ने राजधानी बनाया लाहौर को, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होंगे, इल्तुतमिश हो जाएंगे, और इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया दिल्ली को, ठीक है, और दिल्ली को राजधानी बनाया तब से हम इसको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश में कुल 11 शासकों में मात्र 3 शासक ही गुलाम रहे, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे मामलुक वंश भी कहते हैं, मामलुक का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। आगे देखिए, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हो जाएंगे, इल्तुतमिश हो जाएंगे, और इल्तुतमिश का गुलाम कितने हो जाएंगे, बलबन हो जाएंगे, यही मात्र 3 गो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था और आज की वीडियो यहीं तक रहा, फिर कल हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे और आराम शाह, ये दोनों को कल पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट डे जो है इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह बारी बारी से। देखिए जो भी बुक में डाटा दिया गया है वह डाटा बहुत कम है, और अगर बुक से आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे है कि आपको रटना पड़ेगा, समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम समझते हैं कि इतिहास अगर पढ़ते हैं तो हर एक शासक के बारे में जानना जरूरी है, और कौन शासक, हर एक शासक के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम यह जान जाएंगे कि कौन शासक किस तरह से राजनीति खेल करके राजा बना है, और यह राजनीति अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा इतिहास जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा, हम लोग का इतिहास, और समझना भी आसान हो जाएगा, और आपको कहानी माध्यम से समझते हुए चला जाएगा, आपके ब्रेन में जो है एक फॉर्मा तैयार हो जाएगा जो लगेगा कि एक कहानी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से आप पढ़िए इतिहास को।
है ना, और ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है, और जो भी पढ़ाया जाता है आपको उस बात का नोट्स बनाइए, बोर्ड पे लिखाया गया वहाँ पे उसका भी नोट्स बनाइए। अब कुछ बात ऐसे भी है जो बोर्ड पे हम नहीं लिखते हैं, है ना, वह सिर्फ आपको बोल करके समझाया जाता है, तो उस बात को भी आप अपने शब्दों में लिखें, ठीक है, आप अपने शब्दों में लिखेंगे वही आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा और वही आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे।